लॉ ऑफ टॉर्च के इस लेक्चर सीरीज में अपने अब तक के वीडियोस में हमने ट्रेसपास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमने ट्रेसपास के मीनिंग को समझा, हमने ये जाना कि ट्रेसपास दो तरह के हो सकते हैं, पहला ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेसपास टू बॉडी। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू बॉडी में हम तीन तरह के टॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला है ट्रेसपास, दूसरा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, तीसरा डिफेमेशन, फोर्थ वन इज न्यूसेंस, नेग्लिजेंस और लास्ट है हमारे पास कन्वर्जन, राइट। और ट्रेसपास में ही हम ट्रेसपास टू बॉडी में तीन तरह के ट्रेसपास को पढ़ते हैं, जो हैं असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो आज हम बात करेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में और अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिफेमेशन, न्यूजेंस, नेग्लिजेंस और कन्वर्जन, इन चार टाइप्स ऑफ थॉट से डील करेंगे। राइट, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे द्वेषपूर्ण अभियोजन। जब आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हो जो कि बेसलेस होता है, जो विदाउट प्रोबेबल कॉज होता है, जो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ना होकर आपके पर्सनल रिवेंज के लिए होता है, फॉर योर ओन बेनिफिट्स, और इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे पर्सन को डैमेज पहुंचाना होता है, ना कि जस्टिस लेना होता है। तो यानी यहां पे जो आपका इंटेंशन है वो मैलिशियस इंटेंशन है, रॉन्ग इंटेंशन है, एंड यू फॉर योर ओन बेनिफिट्स यू हैव इंस्टीट्यूटेड अ केस अगेंस्ट अदर पर्सन विच इज फॉल्स, जो कि पूरी तरह से गलत है, बेसलेस है, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के है। तो आपका ये एक्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आएगा, द्वेषपूर्ण अभियोजन के कैटेगरी में आएगा, और ये एक टॉर्ट है, राइट। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को हम टॉर्ट अगेंस्ट रेप्यूटेशन भी कहते हैं। इसे ऐसे समझो कि आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट फॉल्स FIR रजिस्टर्ड करा दिया, केस चल पड़ा, बाद में जो जजमेंट है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस, या आपने जो भी एविडेंसेस अपने तरफ से पेश किया वो एविडेंसेस पूरी तरह से फॉल्स थे, आपने जानबूझकर उस पर्सन को फिजिकली मेंटली हरास करने के लिए केस फाइल किया था, और एट द एंड कोर्ट का जो जजमेंट आया वो उसके फेवर में आया, तो वो पर्सन आपके अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकता है और कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, राइट।
तो बेसिकली जब आपने केस फाइल किया तो उसकी रेपुटेशन को इंजरी हुआ, सोसाइटी में उसका जो पॉजिटिव इमेज था कहीं ना कहीं वो इमेज पे अफेक्ट पड़ा, तो इसलिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को हम कहते हैं टॉर्ट अगेंस्ट रेपुटेशन। तो अटैक अपॉन रेपुटेशन ऑफ पर्सन्स नोन एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। हियर द सूट विच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट सूट इज मैलिशियस इन नेचर। उसमें किसी प्रकार का कोई गुड इंटेंशन नहीं था और जो कुछ भी किया गया वो उसके रेपुटेशन को लोअर डाउन करने के लिए किया गया। तो ये क्या है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, राइट? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अकर्स व्हेन समवन सूज यू और ब्रिंग एनी क्रिमिनल और सिविल केसेस अगेंस्ट यू विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट प्रोबेबल कॉज एंड विथ इंटेंशन टू हार्म यू, नोन एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, राइट? अब एक केस है हमारे पास WBSEB वर्सेस DK रॉय, WBSEB वर्सेस DK रे। इस केस में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है ये केस? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय वन अगेंस्ट अनदर फ्रॉम अ रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव एंड विदाउट अ प्रोबेबल कॉज। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, देखो ये जो वर्ड प्रोसिक्यूशन है ये अपने आप में जुडिशियल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, यानी केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, राइट? और ट्रायल शुरू हो गया है और जो केस का जजमेंट आया वो आपके फेवर में आया, केस के जजमेंट ने आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जो सूट फाइल किया गया था आपके अगेंस्ट वो बेसलेस था और जो एविडेंसेस पेश किया सामने वाले पर्सन्स ने वो एविडेंसेस पूरी तरह से फॉल्स एविडेंसेस थे, उसका जो इंटेंशन था वो रॉन्ग था, वो पर्सनली आपको इंजर्ड करना चाहता था, आपके रेपुटेशन को हार्म करना चाहता था। तो ये क्या है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है। तो इस केस में कहा गया कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाई वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन फ्रॉम रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव। तो यहां पे जो मोटिव था उस पर्सन का वो रॉन्ग मोटिव था, इम्प्रॉपर मोटिव था और उसने बिना किसी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के आपके अगेंस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर टू एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को लेकर के दो एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात किया है कि अगर आपको लगता है कि ये दो एलिमेंट्स हैं तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकते हो जिसने आपको झूठे केस में फंसाया था। पहला कहता है कि देयर इज नो प्रोबेबल कॉज, कोई रीजनेबल कॉज नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं था, और दूसरा सच प्रोसीडिंग्स एंडेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, और जो केस का जजमेंट आया वो पूरी तरह से प्लेंटिफ के फेवर में आया, क्योंकि उसने जो भी एविडेंसेस पेश किया था वो फॉल्स था, केवल कोर्ट को मिसलीड करने के लिए था और सोसाइटी में आपका जो इमेज है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए लाया गया था। तो ये दो क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के। तो जब कभी भी हम ट्रेसपास टू बॉडी
के बारे में बात करते हैं तो हम तीन तरह के ट्रेसपास से डील करते हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और डिफेमेशन, ये दोनों जो टॉर्ट हैं वो ट्रेसपास टू रेप्यूटेशन में आते हैं, राइट, ट्रेसपास टू इमेज ऑफ पर्सन में आते हैं। When any person brings any suit, whether civil or criminal, against other person, maliciously, with wrong intention, without probable cause, not for sake of justice, न्याय के लिए नहीं बल्कि उसके खुद के लाभ के लिए, right? ताकि वो इससे दूसरे person को हरास कर सके, तो इसे हम कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अच्छा, इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अगर हम सभी एलिमेंट्स को देखें तो कुल पांच एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला, प्लेंटिफ मस्ट प्रूव प्रोसिक्यूशन हैज बीन ब्रॉट अगेंस्ट हिम। प्लेंटिफ को यह प्रूव करना होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो उसके अगेंस्ट है, जो केस फाइल किया गया है वो उसे टारगेट करने के लिए किया गया है। That case, that prosecution has been brought against him. Dusra, proceedings ended in favor of him. Court ka judgment uske favor mein aaya hai. Tisra, jo suit laya gaya, wo bina kisi reasonable cause ke tha. Bina kisi sufficient ground ke tha. Chautha, prosecution brought with मैलिस इंटेंशन, और जो प्रोसिक्यूशन लाया गया उसके अगेंस्ट रॉन्गफुल इंटेंशन से लाया गया, और इस प्रोसिक्यूशन के वजह से उसे एक्चुअली में डैमेज हुआ है। तो अगर प्लेंटिफ इन सभी एलिमेंट्स को प्रूफ करने में सफल हो जाता है तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकता है, राइट। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें व्हाट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, तो आप कह सकते हो अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अदर पर्सन फ्रॉम रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव एंड विदाउट प्रोबेबल कॉज टू सस्टेन इट व्हेन सच प्रोसिक्यूशन कॉजेज एक्चुअल डैमेज to the party prosecuted, it is thought for which he can bring action. ठीक है, तो malicious prosecution basically एक judicial proceedings है जिसे एक person दूसरे person के against लाता है wrong intention से, बिना किसी probable cause के, उसके reputation को injured करने के लिए, personal benefits के लिए। तो उसका ये जो act है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहलाएगा। अब एक और केस है हमारे पास, नागेंद्र नाथ रॉय वर्सेस बसंता दास वैराग्य। इसमें क्या था, थेफ्ट हैड बीन कमिटेड इन डिफेंडेंट्स हाउस, प्रतिवादी के घर में चोरी हो जाता है। प्रतिवादी पुलिस को बुलाता है और पुलिस को कहता है कि मुझे इस पर्सन के ऊपर डाउट है। अब पुलिस उस पर्सन को पकड़ लेती है और उसके अगेंस्ट केस चल पड़ता है, हालांकि लैक ऑफ एविडेंसेस के चलते वो पर्सन छूट जाता है, बरी हो जाता है, और बाद में वो पर्सन डिफेंडेंट के अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर देता है। कोर्ट कहता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यहां पे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, राइट। हालांकि अगर वो पर्सन जिसने कहा था कि मुझे इस पर डाउट है, अगर वो पर्सन ड्यूरिंग द ट्रायल फॉल्स एविडेंसेस को पेश करता और जो जजमेंट है वो प्लेंटिफ के फेवर में आ जाता, तो यहां पर प्लेंटिफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकता था। लेकिन जो कुछ भी किया गया वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया, और केवल सस्पेंशन के बेसिस पर,
सस्पिशन के बेसिस पर, सस्पेक्ट के बेसिस पर कहना कि इस पर मुझे डाउट है, ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता है, राइट। तो केस था हमारे पास नागेंद्र नाथ रॉय वर्सेस बसंता दास बैराग्या, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आप इस कंप्लीट वीडियोस के नोट्स पाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 3-4 दिन में मैं वहां पे कंप्लीट लॉ ऑफ टॉर्च का जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया उसका नोट्स वहां पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।